अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कराची बिजनेस। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की काफ़ी ख्वाहिश थी कि मैं अपने कॉलेज से दिखाऊं। तो फ्रेंड्स, ये सारे के सारे इनमें एक एक जो है वो मेरे घर का पट्टा है, कोई भी बाहर का नहीं है। ये सारे मेरे घर के पट्टे कॉलेज देसी हैं और सारे जो है इनमें नर हैं, सिवाय जो एक है वो मादी है और वो भी जोड़ वाली मादी है। बाकी जो भी इसने बच्चे निकाले वो नर। ये देखें, ये जोड़ वाली मादी है, ये भी मेरी घर की पट्टी है और ये एक ही मादी है, इसमें बाकी सारे नर हैं। और आप लोगों ने मुझसे बोला था कि मैं अपने काले देसियों का शौक कराऊं, पहले मैं छत पे घुमाकर थोड़ा हल्का हल्का दिखाता हूं आपको कि माशाल्लाह से बहुत अच्छे लगते हैं। आओ 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 आओ। तो ये देखें, एक जो ये मेरा मैदुम घर का पट्टा है, मेरे पास दो मैदुम है, एक जो है वो फीमेल है जोड़ों वाली, वो ये रही, और एक जो है मैदुम है घर का पट्टा है। ये सबसे पहला मेरा काले देसी पट्टा है, इसे मैंने दैयर भी बनाना शुरू किया। जैसे मैं हल्का सा फड़का के दिखाता हूं आपको तो आपको सही से नज़र नहीं आया होगा, मैं थोड़ा सा जूम आउट करके फिर दिखाता हूँ। ये देखिए, आप लोगों को अब दिखा होगा, दैयर मैंने से बनाया हुआ है, माशाल्लाह से ये भी फाइटर है। अगर आप मेरी एक पहले की वीडियो देखें तो इसमें प्रॉपर लड़कर निकल कर आया अकेले। बाकी सारे फाइटर हैं, इनमें एक एक फाइटर है और आज तक कोई भी ज़रा रुका भी नहीं, मतलब फुल लड़के आए हैं, फुल जो धुआंधार फाइटर होते हैं वैसे। तो चलें, मैं आपको इन्हें उड़ा कर दिखाता हूँ, कुछ स्लोमो शॉट्स दिखाता हूँ। तो मैं आपको करीब से भी दिखा देता हूँ। आप लोग माशाल्लाह ज़रूर बोलिए, क्योंकि इसमें मेरी बहुत मेहनत है, सालों की मेहनत है। ये तकरीबन ये जो मैदुम पट्टा है, ये तकरीबन पट्टा तो खैर अब नहीं रहा, 3 से 4 साल का हो चुका है ये। तो ये सारे ज़्यादा मैंने ब्रीड नहीं करवाई थी, नॉर्मल ही करवाई थी। सारे जो है वो लड़ाएंगे और बाकी मेरे कबूतर सारे अंदर हैं। और वैसे काले देसियों के अलावा जो सेम सिमिलर नसल है, थोड़ी मेहनतदार है, इसे मैं गंडेदार बना रहा हूँ। जैसे कि आप देखें, हल्का हल्का सा वाइट आए हैं इसके, ये देखें गंडे, तो ये भी गंडेदार बन जाएगा। और इसके अलावा मेरे पास एक कासी मेहनतदार है, ये रही, ये भी मैदुम गंडेदार है। और इसके अलावा ये देखें, लालबन खेरा गंडेदार है, इसके अभी गंडे बन रहे हैं, आप लोगों को देख रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको यकीनन दिखाता इन्हें उड़ाकर, लेकिन बिल्कुल ना काली कटाई हुई है और बारिश का मौसम सा हो रहा है, और बिल्कुल आप सोच चुका है तो इसका मतलब बारिश होगी। मैं जल्दी से इनको खोल के दाने दे देता हूँ, वरना इनके दाने का मसला होगा। तो सॉरी, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि प्रॉपरली वीडियो बनाकर इनको उड़ाकर दिखाऊँ। जब तक आप वैसे शौक कर लें, और आप कबूतर खोलने का टाइम हो गया तो मैं कबूतर भी खोल ही देता हूँ, क्योंकि फिर बारिश अगर हो गई तो फिर वो मसला हो जाएगा, दाना दे दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है पहले।
बच्चों का शॉप करें। और मैं मौसम आपको दिखा देता हूँ, देखें पूरा जो है वो बादल आए हुए हैं और वो भी ग्रे। इस वक्त मौसम मतलब वक्त नहीं है बिल्कुल भी, इस वक्त रोशनी होती है बिल्कुल। और कैसा इस वक्त मौसम, अच्छा सा हुआ है, बिल्कुल बारिश वाला मौसम हो रहा है। और बिल्कुल आप सोच चुका है, जैसे आप देखें हवा नहीं चल रही ज़रा सी भी, अगर आप जैसे झंडे को देखें और बारिश से पहले हवा नहीं चलती है। तो फ्रेंड्स, अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल कराची पिजन्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। Thank you.